हम पेट्रोलिंग करने गए थे 6 बजे भीमनगर। सुबह पेट्रोलिंग करने गए थे और गली में हम घुसते ही और जो कड़ियाँ डली थी उनकी, हमने ऊपर टॉर्च लगा के देखा था। इतने में वो लेडीज और कुछ आदमी निकल के आए थे कि बिजली वाले आ गए, मैंने मारो पीटो। इतने में और पब्लिक इकट्ठी हो गई, दोनों तरफ से घेर लिया था तीनों को। कुछ मारपीट करी हमारे साथ, कोई इधर भैया कोई उधर भैया, निकल आए बिजली घर पे आ गए। निकले थे वहाँ से बच के, कैसे भी निकले, हमारे मोबाइल फोबाइल छीन लेते, मोबाइल अपने कई हाथ पैर जोड़ के अपने मोबाइल तो हमने ले लिए। हमने 100 नंबर करा था, पहुँची थी तो हम रोड पे आ गए थे, हमने रोड पे बात करी थी तो पुलिस वाले ने बोला था 100 नंबर वाले ने कि ऐसा है, अपने JU को और SDO को खबर करके और एक तैगी दे दो उत्तर दक्षिण थाने में। बस अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है, सुबेर की टाइम में हमारे संविदा कर्मी स्वागनगर भीमनगर मोहल्ला में एलांसमेंट और किसके लिए क्या बता रहे थे, पेट्रोलिंग के लिए अधिकारियों ने आदेश किए थे, जिसमें SDO साहब ने बोला था कि सुबह की टाइम में आप पेट्रोलिंग करोगे, जबकि सुबह की टाइम में कहीं कोई पेट्रोल का आदेश नहीं है, ना कहीं पेट्रोल कोई कहीं की जा रही है किसी भी क्षेत्र में किसी भी जिले में। और अधिकारियों ने इतना प्रेशर बना रखा है संविदा कर्मचारियों के ऊपर जिसका कोई जवाब नहीं है। दिन रात मेहनत करते हैं, कनेक्शन काटते हैं, वसूली कराते हैं और साइट पर पब्लिक इनके साथ भी मारपीट कर रही है, इसका अभी कोई अधिकारी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना कोई कार्रवाई करा रहे हैं। और अभी कुछ 4 दिन पहले मोहल्ला जोशियान रामनगर बिजली घर पर बरगद अली और सुखबीर के साथ मारपीट हुई थी, उनकी ना कोई गिरफ्तारी हुई है ना कोई कार्रवाई हुई है, FIR हो जाती हैं, ऊपर ही ऊपर अधिकारी करा देते हैं, तसल्ली दे देते हैं, आप जाइए आपका सब काम होगा, कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी और आप कार्य करिए। मैं कार्य के लिए बोलते हैं लेकिन किसी की कोई आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है ना कोई कार्रवाई हुई है। और हमारे संविदा कर्मियों को सुबह मारा है और मार भी पड़ी है और सुनाई में आ रहा है कि पब्लिक के आदमियों ने उन पर FIR का मुकदमा भी लगा दिया है, 76 का छेड़छाड़ का। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है संविदा कर्मचारियों के साथ, विभाग का ही कार्य कर रहे हैं और विभाग के कर्मचारी कोई अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अभी टाइम 12 बजने को जा रहा है, सुबह का 6:30 बजे का घटना है और ना JU साहब ना SDO साहब उच्च अधिकारी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और कार्य के लिए बोलते हैं आप कार्य करिए, रात में अनाउंसमेंट करा रहे हैं, सवेरे 4-5 बजे चेक इन द्वारा अभियान चलता है, उसमें कनेक्शन लट्टे पे काटते हैं और बिना संविदा कर्मचारी के, हमें ये भी पता है अधिकारी कोई वसूली नहीं कर सकते हैं। संविदा कर्मी को हमेशा आगे अंगेरा और मोरिया बनाया जाता है और संविदा कर्मचारी अगर साइट पे कोई नहीं जाए तो अधिकारी उन्हें प्रेशर बनाते हैं, अच्छा आप कार्य नहीं करें तो मैं नौकरी से निकाल देंगे। ये धमकी अधिकारी की है, सभी जिले का मैटर भी खराब चले। कब तक चलेगा हमारा धरना यहाँ पर, जब तक जो भी FIR की गई है हमारे लड़कों की मारपीट के बारे में, इनकी हमें सबकी गिरफ्तारी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हमारा संविदा कर्मचारी कोई कार्य नहीं करेगा, इसकी जिम्मेदार अधिकारी स्वयं होंगे, वसूली उनका मैटर वो समझें और बिल वकीली जो भी है अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार बघेल, जौन उपाध्यक्ष, निविदा संविदा कर्मचारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ। आज सुबह संविदा कर्मचारी मेरे 3 पेट्रोलिंग करने गए थे भीमनगर में, तो भीमनगर में पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसी समय पब्लिक का एकदम आक्रोश टूट उठा उन पर और वो एकदम लड़कों को मारने के लिए टूटे हुए थे। और फिर उसके बाद कहीं से जान बचा के वहाँ भागे, तब बिजली घर पे आया, SDO साहब को अवगत कराया और JU साहब को भी अवगत कराया, तो उसमें क्या हुआ अभी तक हमारे SDO महोदय ने ना तो इनकी कोई तहरीर लिखी है, इस तरीके से अगर चलता रहा ना तो हमारे कोई संविदा कर्मचारी कार्य करेंगे यहाँ पे और ना करने देंगे। पहले भी आपके साथ JU साहब के साथ मारपीट हुई थी, क्या उस मामले में कोई कार्रवाई? उस पर ना तो हमारा पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता है और ना तो हमारे विभाग के भी कोई अधिकारी उस पर एक्शन ले रहे हैं। अगर आज भी कोई कार्रवाई नहीं तो आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे सभी संविदा कर्मचारी, पूरे जिले के कर्मचारी सभी बैठ जाएंगे धरने पर, कोई कार्य नहीं करेगा। धरना सुबह गली नंबर 3 भीमनगर में हमारे कर्मचारी पेट्रोलिंग कर रहे थे, मॉर्निंग पेट्रोलिंग का हमने अभियान चलाया है या कुछ मास रेड का भी अभियान चलाते हैं कि लोगों को जागरूक करें कि बिजली चोरी करना एक गलत बात है और एक अपराध है, सामाजिक अपराध है। तो
इसीलिए हमने पेट्रोलिंग कराना शुरू किया कि जो लोग लग संलिप्त हों बिजली में उनको आप समझा के उनकी कटिया वटिया हटवा के और आगे के लिए कहिए कि बिजली चोरी ना करें, और बॉक्सों को जितने बॉक्स खुले हैं उनकी भी पेट्रोलिंग हो साथ साथ, ताकि किसी दिन रख के उन बॉक्सों को बंद करा दिया जाए जिसमें से लोग अवैध रूप से केबल कटिया डालते हैं। तो ये गली नंबर 3 में घूम रहे थे तभी वहाँ पर सोनपाल और उसके परिवारीजन आ गए और इन तीनों से पूछने लगे कि तुम सुबह सुबह क्यों घूम रहे हो। उन्होंने कहा कि हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, बॉक्स वगैरह देख रहे हैं कौन कौन से हमारे खुले हुए हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि कोई बिजली चोरी ना करे। तो उसी बात पर वो भड़क गए कि तुम हमारी गली में ही रोज़ रोज़ आ जाते हो। अब ये कुछ दिन पहले हम लोगों ने मास रेड कराई थी तो FIR हुई थी उस साइड भीमनगर में, तो उसका हो सकता है उनको रिफ्लेक्शन रहा हो कि साहब FIR होती रहती है हमारी गली में, तो उसी का भड़ास निकालने के लिए हमारे ये सोनपाल हैं, इन्होंने हमारे 3 संविदा कर्मियों के साथ मारपीट कर दी इनके परिवारजनों ने मिल करके। उसके लिए हम लोगों ने FIR के लिए हमने FIR लिख ली है, अभी हम लोग FIR कराने जा रहे हैं।